जयपुर में सबसे बड़ा रेन डांस वाला एरिया है भाई। अगर जयपुर में बेस्ट वाटर पार्क आप ढूंढ रहे हो ना और बढ़िया रिसोर्ट भी ढूंढ रहे हो ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्टिंग देख लीजिए हमने कहाँ से करी है भाई, ठीक है। नमस्कार, चित्रकाल खबरगढ़ी, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर, और इस समर सीरीज में हम आपके लिए लेके आए बढ़िया सा वाटर पार्क, ठीक है। बढ़िया क्लीन है, बड़ा है और बिल्कुल नेचर के बीचों बीच है, और जगह का नाम है आपड़ो राजस्थान हॉलीडे एंड रिसोर्ट है, ठीक है। और ये सीकर रोड पर स्थित है। पूरा रिसोर्ट का वीडियो आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं, क्योंकि आपको तलाश रहती है गर्मी बढ़िया से वाटर पार्क की, ठीक है। तो आपका क्या काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, ताकि जयपुर के बारे में ना अनएक्सप्लोर कंटेंट आपको हमेशा मिस्टर जयपुर के चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, ये है टिकट विंडो। यहाँ से अगर आप है ना बच्चों का टिकट लेते हैं तो 250 रुपए का रहता है, और अगर आप अडल्ट का टिकट लेते हैं तो 300 का रहता है ना, ठीक है। तो ये टिकट विंडो, यहाँ से अभी हमारी एंट्री है। सो गाइज, आज की वीडियो हमने बिल्कुल स्लाइड के बीच में से स्टार्ट के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं आपके लिए। आपका एक छोटा सा काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। पीछे आप मेरे पीछे पूल देख सकते हैं, कितना बढ़िया है भाई। जल्दी जल्दी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर और लाइक कर दो भैया, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर है ना कुछ लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं, तो एक बार उन्हीं से फीडबैक ले लेते हैं कि उनका फीडबैक कैसा है, कैसा उनको यहाँ पर आके लगा है। सो भैया, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अरुण है। अरुण जी, तो अरुण जी एक बार ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि आपको है ना आपको राजस्थान में आकर कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, फैमिली के लिए अच्छा है। अच्छा, बच्चे अच्छे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली के साथ आए हैं मुझे लेने, और फुल मजे आ रहे हैं हमारी फैमिली वाले, फुल मजे आ रहे हैं बढ़िया से, फैमिली एंजॉय करती पूरी आराम से। अच्छा, और कोई ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है, बच्चों के लिए आराम से खेलने लायक, आराम से सब कुछ है, पार्क है, गार्डन है। अच्छा, बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ्टी है बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के बढ़िया। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हम तो कहते हैं बढ़िया, आराम सब आए, फैमिली लायक रेस्टोरेंट है। सो गाइज, यहाँ की जो टिकट के बारे में अगर हम बात करें ना, तो लगभग 300 रुपये तो अडल्ट का टिकट है, और 250 रुपये जो है ना बच्चों का टिकट है। तो भाई इतने रीजनेबल प्राइस में ना इससे बढ़िया वाटर पार्क आपको जयपुर में कहाँ मिलेगा भाई। और एक चीज़ है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, ग्रीनरी है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, चेंजिंग रूम है बल्कि, और पीने का पानी भी बहुत ज़्यादा साफ है, और इतना बड़ा है ना जो वाटर फिल्टर है ना वहाँ पर लग रहा है। और अब आप लोग राजस्थान हॉलीडे रिसोर्ट आते हैं ना, सो आपको यहाँ पे है ना मतलब कि एक रिसोर्ट भी मिलता है, ठीक है, पूरा एक रिसोर्ट है, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है। सो गाइज, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो रेन डांस वाला एरिया है ना, ये जो रेन डांस वाला इतना बड़ा एरिया है ना, ये जयपुर में सबसे बड़ा रेन डांस वाला एरिया है भाई। बिलीव मी, पूरे जयपुर में इससे बड़ा रेन डांस वाला एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, और एक डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत ही ज्यादा मतलब फन वाली जगह है। और देखिए आप इसका कितना बढ़िया एनवायरनमेंट है, भी है ना मतलब आप मौसम देख लीजिए, और मतलब कि जो फील है ना, फील वो बहुत ही गजब की आने वाली है। एक सेपरेट वाटर पार्क जो है ना आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और यहाँ पर दो पूल है, एक तो बिग साइज पूल और रेन डांस आप मेरे पीछे यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ठीक है, और एक पूल है ये वाला, ठीक है, एक प्राइवेट पूल है और एक वो कॉमन पूल है। आप दोनों में से किसी में भी आप बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर इस वाले प्राइवेट पूल में कोई स्लाइड नहीं है, बट उस सारी स्लाइड्स है ना, तीन से चार सॉरी छह स्लाइड उस वाले पूल में है। तो आप कभी भी है ना जयपुर आ रहे हैं, या जयपुर से अगर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, और गर्मियों में बढ़िया वाटर पार्क जाने की इच्छा है बिल्कुल कम दामों में और बढ़िया जगह, तो आप राजस्थान हॉलीडे रिसोर्ट आकर अपना टाइम है ना स्पेंड कर सकते। गाइस, जैसे तो आपको है ना जयपुर में कई सारे वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, प्राइवेट स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बट है ना आपको हर जगह है ना जो हाइजीन का है ना दिक्कत शायद आ सकता है, बट यदि आप अपना राजस्थान रिसोर्ट आते हैं ना,
सो आपको मतलब बिल्कुल क्लीन वाटर मिलता है। आप फैमिली के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फैमिली वाले ही आए हुए हैं, ठीक है, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आज संडे के दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी सारी फैमिलीज आई हुई है ना, और आगे भी इतनी सारी फैमिलीज आई हुई है। बल्कि ये जो रिसॉर्ट है ना, आपको सीकर रोड पे पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। सो मेरा ये कि अगर आप फैमिली के साथ आउटिंग वगैरह प्लान कर रहे हैं या ग्रुप आउटिंग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और जयपुर के आसपास कुछ बढ़िया सी जगह देख रहे हैं जो रीजनेबल भी हो और हाइजीन पर्पज से भी ठीक हो और फैमिली के आउटिंग के लिए भी सबसे बेस्ट हो, तो आप एक बार है ना आप लोग राजस्थान जो हॉलीडे रिसॉर्ट है ना उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ब्राइटनेस का थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से स्विमिंग पूल का नजारा कुछ ऐसा दिखता है भैया, खूब मजे आने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं ना तो मजा आ जाएगा आपको। सो गाइस यहाँ पर आपको ना लॉकर और चेंजिंग रूम में मिल जाते हैं, आप मेरे सामने देख सकते हो, और यहाँ पर रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप पूल में जाने से पहले ये सारे रूल्स एक बार जरूर पढ़ लीजिए। गाइस आप लोग राजस्थान हॉलीडे रिसॉर्ट में आपको बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ना जो एक्टिविटी जो है ना, जो यहाँ पर राइड्स वगैरह होती है ना, वो भी आपको काफ़ी मतलब कि क्वांटिटी और मात्रा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, काफ़ी संख्या में यहाँ पर मिल जाती है। अभी आप मेरे पीछे कोलंबस देख सकते हैं, और ये हेलीकॉप्टर राइड है, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं ना बच्चों के लिए है, और यदि आप क्रिकेट का मज़ा और ओपन जो है ना प्लेग्राउंड में जो भी गेम खेलना चाहते हैं ना उसके लिए इतना बड़ा प्लेग्राउंड भाई यहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाता है। आज है ना वंशु हमारे साथ वापस आ चुका है, पिछली बार उदयपुर का ट्रिप भी हमारे साथ, उदयपुर की ट्रिप में भी हमारे साथ वंशु था, और आज भी वंशु है। वंशु आज वाली जगह कैसी लगी? बढ़िया है, गर्मी के मौसम में तो बहुत बढ़िया है ना, गर्मी के मौसम में बहुत बढ़िया चीज़ है। और मतलब देखो अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है ना, सब स्विमिंग पूल वगैरह के बारे में सर्च करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा क्या काम है, आप लोगों के लिए ऐसी जयपुर में ऐसी बढ़िया बढ़िया जगह, और जयपुर के बाहर भी जो बढ़िया बढ़िया जगह होती है ना हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ठीक है। और वंशु भी हमारे साथ है भैया, टीम मेंबर है हमारा वंशु भाई, ये मेरा छोटा, ठीक है, और ये भी हम मजे करते रहते हैं, ठीक है, और मजे करते करते हम वीडियो बना लेते हैं, और आप लोगों के लिए एंजॉयमेंट का और आप लोगों के लिए पहले ही जगह बता के हम रख देते, ताकि आप जब भी यहाँ पर आए ना तो आपको एक वर्चुअल टूर मिल जाए। वर्चुअल टूर से क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि मेरे को इस जगह अब जाना है नहीं जाना है, वो सारी डिसाइड है ना आप घर पे बैठे बैठे एक मोबाइल या एक टीवी की स्क्रीन से कर सकते हैं। तो बस आपका क्या काम है भैया, चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखना है, लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना है, बाकी सब आप काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सो गाइज आप यहाँ पर आते हैं तो आपके खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, अंदर चल के आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ का मेन्यू भाई काफ़ी रीजनेबल है, और काफ़ी ज़्यादा आइटम्स है ना आपको और रिसॉर्ट या और वाटर पार्क के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती है। और टेस्ट तो भैया मैं क्या ही कहूँ, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर रेगुलर आ रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे खाने का जो मामला है ना भैया एकदम ख़तरनाक वाला है, जो टेस्टी जो चीज़ होती है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। ये देखिए भाई अंदर से कुछ नज़ारा ऐसा है, यहाँ पर बढ़िया सिटिंग वगैरह की प्रॉपर जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर है, आराम से यहाँ पर आप समझ लीजिए 100 के करीब लोग तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, और बढ़िया है देखिए, बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो भी आपको करना है ना वो कर सकते हैं। सो गाइज जब आप है ना इस रिसॉर्ट में आते हैं ना तो एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको रूम्स की कैटेगरी भी है ना यहाँ पर अलग अलग टाइप के मिल जाती है, मतलब आपको मॉडर्न टाइप के रूम चाहिए तो वो मिल जाएंगे, और आप मेरे पीछे ये सेक्शन देख रहे हैं बिल्कुल विलेज वाला सेक्शन है, कि मतलब राजस्थानी जो कल्चर के ऊपर जो मांडने वगैरह बना के जो रूम्स यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं, ये प्रीमियम कैटेगरी के रूम्स जो है ना राजस्थानी ट्रेडिशनल टाइप के वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप लोग राजस्थान हॉलीडे रिसॉर्ट है ना एकदम कंप्लीट एंटरटेनमेंट का पैकेज है, और यदि आप जयपुर के बाहर से मतलब हरियाणा की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से, दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको राजस्थानी कल्चर का आनंद लेना है ना, तो आप ये मेरे पीछे भाई प्लेस आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो आप देख लीजिए, कैसे आना है कहाँ आना है सारी डिटेल्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है।
सो गाइज राजस्थानी जो रूम्स है ना, एक बार अंदर से मैं आपको टूर दे देता हूँ। देखिए ये ऐसा कुछ अंदर से इंटीरियर है, बिल्कुल आप ऊपर देख सकते हैं राजस्थानी पेंटिंग वगैरह सब यहाँ पर हो रही है, ताकि आपको जो फील है ना वो एकदम राजस्थानी कल्चर वाला है। सोफा देख सकते हैं, टीवी वगैरह, और ये अलमीरा देखिए, बिल्कुल मतलब क्या ना एकदम विंटेज लुक वाली अलमीरा भी यहाँ पर है, और वॉशरूम वगैरह भी आप देख सकते हैं कितना मतलब कि पूरा सिस्टम है ना यहाँ पे बहुत बढ़िया है, बहुत तरीके से, बहुत मेंटेन तरीके से रखा जा रहा है। सो आपको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया आप कब आ रहे हैं एक बार है ना कमेंट डाउन करके। सो गाइज आप देख सकते हैं, अगर कोई प्री वेडिंग शूट के लिए भी यहाँ पर आ रहा है ना और फोटोग्राफी वगैरह करना चाहता है, तो कितना बढ़िया लोकेशन आपके लिए ये हो सकता है भाई। ये पूल वगैरह है और सामने का नज़ारा मतलब ऐसा लग रहा है कि आप राजस्थान में नहीं मतलब देहरादून वगैरह के इलाके में जब आप खड़े हैं, और आपको ऐसी लोकेशन भाई यहाँ पर मिल रही है ना, चारों तरफ इतनी तो ग्रीनरी है यहाँ पर, मतलब क्या ही बताएं। और जो चीज़ है ना, मतलब थोड़ा सा यहाँ से चल के बता देते हैं, ठीक है, इतना ग्रीनरी है और इतना साफ सफाई, इतना मेंटेन किया हुआ है ना, आपको मतलब अगर आप शाम को अगर यहाँ पर आ रहे हैं अपने बच्चों बच्चों के साथ, तो यहाँ पर आराम से आप मतलब अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको एक रूम की कैटेगरी और दिखा देता हूँ, जो कि लग्जरी सेगमेंट की इस रिसोर्ट में जो रूम कैटेगरी है वो एक ये हमारे सामने रूम है, ठीक है, ये सिंगल रूम वाला है। एक हम एक स्वीट रूम में भी जाएंगे, ठीक है, ये सिंगल वाला लग्जरी रूम की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि रूम का इंटीरियर कैसा है, और अभी हम चलेंगे दूसरे वाले रूम में, क्योंकि जब अगर हम वीडियो बनाने आए ना, तो आपके लिए पूरी चीज़ें हम एक्सप्लोर करके जाते हैं, आपको तो ये पता ही है, तो इसी बात पे आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी हम देखिए स्वीट रूम में है, ठीक है, तो इस रूम के अंदर अभी हम स्वीट रूम के अंदर है, और देखिए आप इसके अंदर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं भैया। ये देखिए अंदर से रूम का कुछ इंटीरियर ऐसा लगता है अंदर से कुछ, ये है कि बाहर जो गेस्ट रूम है, एक गेस्ट रूम ये वाला है, और जो बेडरूम है ना ये वाला है, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, और बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो लग्जरी सेगमेंट है ना उसके रूम वहाँ पर देख सकते हैं, ये अलमीरा वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। और बाकी जितना भी हमने दिखाने की कोशिश की ना, वो सारा आपको इस रिसोर्ट में हमने पूरा दिखाया। देखिए ये थोड़ा सा एरिया, जैसे कि हमने सारे रूम के सेगमेंट आपको बताई दिए ना, और बाकी यहाँ पर देखिए आउटडोर सिटिंग्स भी हैं, और हमारे जो आप पीछे देख रहे हैं ना वो एक और रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ पर पूरा ये लॉन एरिया है, वो एंट्री है, वो जो दिख रही होगी ना आपको वो एंट्री है, और यहाँ पर एक अच्छा वाला लॉन एरिया और है, पीछे दो तीन लॉन एरिया खूब सारे हैं। बल्कि आप यहाँ पर आते ना फैमिली के साथ, तो आप भाई जो क्वालिटी टाइम है ना वो स्पेंड जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा लॉन एरिया भी हम चल के आपको बताने वाले हैं। सो गाइस एक जो कैफे जो रेस्टोरेंट है ना वो एक सामने वाली तरफ है, जो मतलब जैसे आप एंट्री होते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको अंदर से आइडिया देता हूँ। देखिए भाई क्या ही शाही तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो टेबल वगैरह है वो यहाँ पर लगाई गई है, और आप मतलब आपको एक एक कोना कोना मैं दिखा रहा हूँ। जब मतलब आपको कोई प्लानिंग भी करनी हो ना, तो आपको एक मतलब कितने पर्सन आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, क्या है, सो वो सारी चीज़ें ना आपको एक एक करके इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा ना एड्रेस के बारे में आइडिया दे देता हूँ। देखिए ये आपरू नासा रिसोर्ट है, एड्रेस कहाँ पर है, ये जो खाटू श्याम जी की रोड जा रही है ना इस तरफ, खाटू श्याम जी इधर से आप जयपुर से आते हैं उधर खाटू श्याम जी के जाते हैं ना, तो जैसे ही आप उस रोड के लिए मुड़ते हैं ना, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पे आपरू नासा रिसोर्ट स्थित है, और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाली। सो गाइज आई होप ये वीडियो है ना आपको पसंद आएगी, जितना भी हमसे हो सका ना सारा जो आप लोग राजस्थान रिसोर्ट है ना हमने एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ आपको बताई, वाटर पार्क बताया,
वन ऑफ द बेस्ट वाटर पार्क ऑफ जयपुर है ये, ठीक है। यहाँ पे खाने पीने की चीजें जितनी भी हमसे हो सकती है ना सारी बताई। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाइएगा। लाल कलर का बटन आ रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि है ना जयपुर जयपुर के बाहर की ऐसी अनएक्सप्लोर चीजें ना आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी तक MISTR_ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप रील वगैरह जो फोटोज़ वगैरह वो सब कुछ वहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ है ना आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।